अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.funtoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मकर संक्रांति। गट्टू चिंकी और मम्मी पापा मकर संक्रांति मनाने अहमदाबाद आए थे। पापा ने इस बार सबको प्रॉमिस किया था कि संक्रांति पे सबको काइट फेस्टिवल दिखाने के लिए ले चलेंगे। सब लोग होटल में रुके थे। पापा, मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ कि मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। हाँ पापा, मुझे भी। कल वहाँ कितना मजा आएगा ना। मैं तो वो बड़ी वाली काइट्स देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे पर बच्चों, अगर तुम अभी नहीं सोए तो कल काइट्स उड़ाने का असली मजा नहीं आएगा। अभी तुम दोनों सो जाओ, तभी तो कल खूब सारी एनर्जी के साथ तुम दोनों काइट्स उड़ा पाओगे। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं, पर मम्मी आप हमें याद से जल्दी उठा देना। हाँ हाँ बिल्कुल बच्चों, अब सो तो जाओ। अगले दिन सभी लोग तैयार होके काइट फेस्टिवल देखने निकल जाते हैं। फेस्टिवल का एंट्रेंस गेट एक बड़ी सी काइट के शेप में था। वाओ मम्मी पापा, ये देखो ये गेट कितना यूनिक है। हाँ गट्टू, यहीं से शुरुआत होती है हमारे इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल विजिट की। फिर सभी लोग अंदर जाते हैं। सारा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ था। गट्टू चिंकी भी एक स्टॉल के पास जाते हैं और काइट्स देखते हैं। अरे चिंकी, ये काइट्स तो देखो, ये तो कितनी बड़ी बड़ी है, बिल्कुल मेरे और तुम्हारे जितनी बड़ी। हाँ गट्टू। यही तो खासियत है इस काइट फेस्टिवल की बच्चों, यहाँ जैसी काइट्स मौजूद है तुम्हें ऐसी कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। चलो अब जल्दी से अपनी पसंद की काइट्स ले लो। गट्टू और चिंकी ध्यान से सभी काइट्स को देखते हैं और अपने लिए काइट पसंद करने लगते हैं। वाह पापा, पापा मैं तो ये डायनासोर वाली काइट लूंगा, देखो ना ये कितनी अच्छी है। और पापा मुझे ये प्यारी सी फिश वाली काइट चाहिए। ठीक है बच्चों, तुम दोनों अपने पसंद की काइट्स ले लो। काइट्स लेने के बाद सब काइट्स उड़ाने के लिए आगे चलते हैं, लेकिन तभी चिंकी का ध्यान आसपास के लोगों पे जाता है। पापा पापा, यहाँ पे कितने सारे फॉरेनर्स भी आए हुए हैं। हाँ चिंकी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है, इसलिए कई सारे फॉरेनर्स भी यहाँ आते हैं। हाँ बच्चों, लगभग 75 से ज्यादा कंट्रीज के लोग यहाँ आते हैं और साथ मिलकर काइट्स उड़ाते हैं। गट्टू चिंकी ये बात सुन के हैरान हो जाते हैं। वाओ मम्मी, तब तो हम बहुत लकी हैं जो हम भी इस फेस्टिवल का पार्ट बन पाए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने चिंकी, चलो अब जल्दी से चलकर तुम दोनों भी काइट्स उड़ाओ। इस सुंदर आसमान में बाकी की काइट्स के साथ तुम्हारी काइट्स भी लहराएंगी। हाँ मम्मी, मेरी डायनासोर काइट तो सबसे ऊपर उड़ेगी। अच्छा, ऐसी कैसे गट्टू, मेरी फिश काइट भी किसी से कम नहीं है। चलो फिर जल्दी से अपने काइट्स को उड़ाते हैं। गट्टू चिंकी मम्मी पापा की हेल्प से अपनी काइट्स को आसमान में उड़ाते हैं। वो देखो मेरी काइट कितना ऊंचा उड़ रही है, सारी काइट्स को पीछे छोड़ते हुए। अरे गट्टू, मेरी फिश काइट भी पीछे से आ रही है, जरा बचना कहीं तुम्हारी काइट को नीचे ना गिरा दे। आ जाओ चिंकी, मेरा डायनासोर तुम्हारी फिश से बिल्कुल भी नहीं डरता है। मम्मी पापा गट्टू चिंकी को इतना एंजॉय करता देखकर बहुत खुश होते हैं। गट्टू चिंकी बहुत देर तक काइट्स को उड़ाते हैं और फिर थक जाते हैं। सच में मम्मी पापा, आज तो काइट्स उड़ाने में अलग ही मजा आया है ना चिंकी। इतनी सारी काइट्स के साथ में काइट्स उड़ाकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब बहुत जोरों की भूख भी लग रही है। हाँ बच्चों, काफी देर हो गई है, चलो चल के कुछ खा लेते हैं अब। अरे कुछ क्यों, बहुत कुछ खाएंगे आज तो। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल है जिसमें कई सारे स्ट्रीट्स का स्पेशल खाना है और अहमदाबाद का लोकल फूड भी है, आज सब कुछ ट्राई करेंगे। ये मुझे तो सुनकर ही और भूख लग गई। ये सुनकर चिंकी भी पापा को चलने के लिए कहती है। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा मिलकर काफी सारी डिशेस खाते हैं, साथ में वो तिल और गुड़ के लड्डू भी खाते हैं। वाह मजा आ गया, कितना टेस्टी था सब कुछ। हाँ मजा आ गया सच में। अच्छा बस इतने में ही मजा आ गया, अभी तो और मजा आने वाला है बच्चों। क्या, क्यों पापा, ऐसा क्या हो गया अब? अरे अब हम सब चलेंगे अहमदाबाद का काइट म्यूजियम देखने। गट्टू चिंकी ये सुन के बहुत खुश होते हैं और सभी लोग टैक्सी करके अहमदाबाद के स्पेशल काइट म्यूजियम पहुंचते हैं। पापा पापा, यहाँ पे क्या स्पेशल है?
गट्टू, यहाँ पे 100 से भी ज्यादा वैरायटी की काइट्स है जिसमें अलग अलग मटेरियल्स यूज हुए हैं और बहुत ही यूनिक डिजाइन्स हैं। हाँ बच्चों, और यहाँ पे काइट्स की हिस्ट्री के बारे में भी बताते हैं कि कैसे 200 BC में हायन सांग नाम के एक आदमी ने पहली बार काइट उड़ाई थी। क्या सच में मम्मी, काइट्स इतनी पुरानी है? हाँ गट्टू, और जानते हो इन्हीं काइट्स ने 1902 में राइट ब्रदर्स की हेल्प की थी एयरप्लेन के डेवलपमेंट में। वाह मम्मी, काइट्स के बारे में कितनी सारी बातें हैं जो हमें पता ही नहीं थी। इसीलिए तो ये काइट म्यूजियम इतना स्पेशल है चिंकी। थोड़ा आगे बढ़कर गट्टू की नजर रोकोकू पे पड़ती है। पापा पापा, ये क्या है? ये तो बहुत अलग तरह की काइट है। हाँ गट्टू, ये जापान की स्पेशल हेक्सागोनल काइट है। इसे पेपर के 400 छोटे छोटे पीसेस से बनाया जाता है। क्या 400 पीसेस? ओहो, इसमें तो बहुत मेहनत लगती होगी ना पापा। हाँ चिंकी, बिल्कुल सही कहा तुमने। कुछ देर म्यूजियम में घूमने के बाद गट्टू चिंकी बाहर आ जाते हैं। तो बताओ बच्चों, कैसा लगा तुम्हें ये काइट म्यूजियम? बहुत ही अच्छा पापा, इसके बारे में मैं अपने सभी फ्रेंड्स को बताऊंगा। हाँ पापा, चलिए एक अच्छी सी फोटो लेते हैं। मैं भी घर वापस जाके अपने सब फ्रेंड्स को फोटो दिखाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, आओ सब लोग एक साथ खड़े होते हैं। फिर पापा एक अच्छी सी फोटो लेते हैं और सभी लोग वापस अपने होटल में चले जाते हैं। तो ऐसे गट्टू चिंकी ने अपनी इस साल की मकर संक्रांति अहमदाबाद में मनाई। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।